ये हम आ गए हैं फायरिंग फ्लोर। फायरिंग फ्लोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एलिवेशन पे फर्नेस के अंदर फायरिंग होती है। ये मैं अभी बाद में दिखाऊंगा ये लाइन। ये अभी आप देख रहे हो ये सामने, ये हैं ऑयल गन्स। जब बॉयलर शुरू में कोल्ड स्टार्टअप से लाइट अप किया जाता है तो सब बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जो एटमॉस्फेरिक होता है लगभग वही। तो सबसे पहले इसमें ऑयल फायर किया जाता है, पहले एलडीओ फायर किया जाता है, कुछ टाइम तक एलडीओ चलाया जाता है, उसके बाद एचएफओ लिया जाता है। तो ये एलडीओ और एचएफओ की ये गन्स हैं, इनके थ्रू ऑयल अंदर फायर होता है। मैं अभी आपको वहाँ फिडल फ्लोर पे आपको बता रहा था कि जो क्लासीफायर से जो चार चार पाइपें आउटलेट हो रही हैं वो यहाँ पे एलिवेशन ए और बी पे आती हैं और चारों कॉर्नर पे आती हैं। तो ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये एलिवेशन ए है और ये जो ऊपर वाला ये देख रहे हो ये एलिवेशन बी है। तो ऐसे ही एलिवेशन सी डी ई एंड एफ ऊपर तक है। तो यहाँ से कोल एंटर करता है और अंदर कोल का बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और कोल बर्न होने के बाद अपनी केमिकल एनर्जी रिलीज करता है और हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी मिलती है वो ट्यूबों के अंदर स्टीम को सप्लाई हो जाती है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो कॉर्नर था, एक कॉर्नर था, ये दूसरा कॉर्नर है सेम, ये यहाँ पे भी वही गन्स लगी हुई हैं और ये एलिवेशन सेम जैसे उस पे थे वहाँ पे, यहाँ पर भी वैसे ही है। ये एचएफओ और एलडीओ स्टेशन है, यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है।